कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अमेठी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने एक रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को छोड़कर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका के दोनों बच्चे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मिराया भी रोड शो में नजर आईं। रोड शो के दौरान रेहान भी कई मौकों पर प्रियंका और राहुल की तरह ही लोगों का कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। प्रियंका के बेटे रेहान और बेटी मिराया रोड शो के दौरान राहुल के आसपास ही खड़े थे। राहुल के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी ने दोनों बच्चों के साथ सेल्फी ली। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रियंका की सेल्फी को ट्वीट किया है। प्रियंका के बेटे रेहान पिछले साल ही 18 साल के हुए हैं। ये पहला मौका है जब वो लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। राहुल के रोड शो में रेहान पूरी तरह से नेता के लुक में नजर आए। वो कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट पहने हुए थे। रोड शो में रेहान की मौजूदगी को लोग कांग्रेस के अगले युवराज के रूप में देख रहे हैं। टीम न्यूज़ नुक्कड़।